हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हमने देख लिया था कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता था। इस वीडियो में अब हम लोग आगे बातें करेंगे कहां कहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, क्या जरूरत पड़ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या लीनियर इक्वेशन से सारे काम नहीं हो जाएंगे। इसी चीज को देखने के लिए स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each and the product of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. John और जानवी दो लोग हैं। क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से नहीं पड़ेगा? चलो ट्राई करते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। जॉन के पास कितने मार्बल हैं, मान लो एक्स, ऐसा ही कहते थे हम लोग। और जानवी के पास मान लो वाई, जीवानी इज इक्वल टू वाई। अब इक्वेशंस बनाने हमें। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। लॉस्ट करने के बाद कितने मार्बल बचे हैं, एक्स माइनस 5 और y माइनस 5। हमें क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। इस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है ये 124 है। ठीक है, एक इक्वेशन हमें यहां मिलता है। दूसरा इक्वेशन, दे हैव 45 मार्बल्स इन टोटल, मतलब x प्लस y, जो इनिशियली दोनों के पास जो मार्बल थे x और y, इन दोनों को ऐड करते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 45। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। चलो, पहला इक्वेशन तो साफ सुथरा है, लीनियर इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ट्राई करते हैं, ओपन करके देखो ब्रैकेट को, क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 5y माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 124। ये जो इसमें आ गया एक्स वाई टर्म, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर सकते हैं इसका? कुछ नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सिलेबस, सब कुछ हो गया। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी करोगे यहाँ पे एक्स इंटू वाई टर्म आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन है ही नहीं है। और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, देखो जो हमने किया है ना, यही काम करना है। पहले तो मैं मिटा देता हूं जिसकी जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, हमारे ये दो इक्वेशंस थे, ये दो इक्वेशंस थे हमारे। तो अब यहां देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 हमें पता है, तो यहां से y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3, वाई इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है ना, वाई इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, इसको यहीं पे लिख दो, 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये हमारा जो पहला इक्वेशन था, इसको हम लोग रीराइट करेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे इसको। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब y की जगह 45 माइनस एक्स को रखना है, क्या आएगा, जॉन ने 5 मार्बल लूज किए, 5 मार्बल लूज कराना है, अभी भी 5 मार्बल लूज कराना है। तो जॉन के पास जितने मार्बल थे x, उसमें से 5 लूज हो गए, x माइनस नीचे लिखते हैं, हाँ, जॉन के पास बचे x माइनस 5 मार्बल्स। जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचे, 45 माइनस x माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 124। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलो,
अच्छा पहले ये 45 माइनस 5, 40 माइनस x लिख दे, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दो, 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सब कुछ ये माइनस एक्स स्क्वायर तो सबको राइट साइड में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या था, 40x प्लस 5x प्लस 45x है, राइट साइड में जाके माइनस 45x हो जाएगा, और ये प्लस 124 प्लस 200 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर माइ प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया है तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे आगे, अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चंस थे हमारे पास, चलो इसको मिटा देता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या वेरिएबल होगा हमारे पास? पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स कुछ टॉयस बनते हैं कंपनी में, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री घर में ही चलती है शायद, वहाँ पे कुछ टॉयस बनते हैं। अब डेली का कुछ खर्च भी होता है उनका, डेली का कुछ खर्च है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रूम रेंट हो, ये सब तो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टॉयस के ऊपर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मे बी डेली वर्कर्स का वेजेस भी फिक्स होगा, है ना, डेली अगर 5 वर्कर आते हैं पांचों को जो वेज देना है वो तो फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होंगे ये फिक्स नहीं है। तो ये जब कैलकुलेट किया तो पाया गया 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये पर टॉय का कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक विशेष दिन की बात करें तो उस दिन 750 रुपये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 750 रुपये का खर्च हुआ था। टॉयस कितने में बिकेंगे इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, टॉयस चाहे कितने में भी बिके बनाने में खर्च 750 पड़ रहा था। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस्ड, कैसे करें, हमारे पास वेरिएबल तो एक ही होगा, लेट नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x, क्वेश्चन में साफ साफ यही लिखा हुआ है, 55 माइनस x, ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट पर टॉय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, यानी कि सब कुछ को राइट साइड में ले आओ, 0 लेफ्ट साइड में 0 छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750।
है ना, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए इक्वल टू जीरो को राइट साइड में ले आओ, इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। इस क्वेश्चन में तो लीनियर इक्वेशन बनाने का कोई स्कोप ही नहीं था, बन ही नहीं सकता था लीनियर इक्वेशन। तो देखा है कैसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, हमें कोई अलग से लाना नहीं पड़ता है। और ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, काफ़ी आसान है, एक बार ये सॉल्व हो गया तो फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके आगे चलते हैं, एग्जाम्पल टू, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो वेरीफाई कर लो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, देख के क्या लग रहा है। चलो देख के छोड़ो, पहले वेरीफाई कर लेते हैं। पहला इक्वेशन जो हमारे पास है, एक्स माइनस टू पूरे का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। याद रखना हमारा फॉर्म यही चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमें यही फॉर्म चाहिए। इसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, बाकी बी सी कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है। तो ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। सिंप्लीफाई कर दो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फोर एक्स यहाँ है प्लस टू एक्स यहाँ है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स, फोर प्लस वन फाइव और इधर प्लस थ्री आ जाएगा, फाइव प्लस थ्री एट इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक है ये, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपली क्वाड्रेटिक आ रहा है। इक्वेशन टू को देखते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस एट प्लस फोर ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, क्यों नहीं है, हमारा ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। देखने में कितना अच्छा लग रहा था कि क्वाड्रेटिक ही है ये, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं निकला, क्वाड्रेटिक नहीं निकला। तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, इस चैप्टर में हम लोग जो उसको सीखने वाले हैं उससे सॉल्व नहीं होगा, पिछले चैप्टर में जो सीख चुके हैं उसी सबसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आए, एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें क्या आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेफ्ट साइड में ले आओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो क्वाड्रेटिक है, फॉर्म से हमारे मैच हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बिल्कुल मैच हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, यस। इक्वेशन फोर की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो नीचे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस टू का क्यूब एक्स प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस फोर। तो एक्स प्लस टू का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए प्लस बी पूरे का क्यूब निकालना होता है तो ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। इस फॉर्मूले पे एक्स प्लस टू को रखेंगे, अगर एक्स प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ए की जगह एक्स रखना है एक्स क्यूब, बी की जगह टू रखना है टू क्यूब इज इक्वल टू एट, प्लस थ्री
ए की जगह एक्स रखना है, बी की जगह टू रखना है, एक्स प्लस टू क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस थ्री इंटू टू सिक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू सिक्स एक्स इंटू टू, सिक्स एक्स इंटू टू ट्वेल्व एक्स। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। और ये एक्स क्यूब कैंसिल, क्वाड्रेटिक बन गया। एक्स क्यूब जब कैंसिल हो गया तो बचा तो क्वाड्रेटिक ही ना, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट प्लस फोर ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सिक्स को भी कैंसिल करा दो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। कितना साफ सुथरा क्वाड्रेटिक आ गया। तो ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता है या नहीं है? और अगर मान लो नहीं याद है ये फॉर्मूला, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, तब भी बनेगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बनेगा। क्या करना होगा, और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, पूरे को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस टू से, क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट। देखो फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैच हो रहा है। सिमिलरली एक्स को देखो, फोर एक्स प्लस एट एक्स ट्वेल्व एक्स आ रहा है यहाँ पे, और एट तो है ही है लास्ट में, एट एक्स क्यूब भी है, ऐसे भी बन जाएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। चलो जब ये आ ही गया तो मैं बता दूँ एक बार, एक ए प्लस बी पूरे का क्यूब अगर करना हो तो यहाँ पे करना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी टू ए प्लस बी। और यहीं अगर ए माइनस बी का क्यूब करना हो तो b की जगह माइनस बी रख दो, हो जाएगा ए क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री ए इंटू माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस माइनस बी, क्या आएगा, देखो फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला ये, सिंपल। स्क्वायर वाले तो पता ही होंगे, फिर भी लिख दूं क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर करना हो तो ठीक, फिर से वही कर दो, बी के जगह माइनस बी रख दो, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। और a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतने फॉर्मूला पता रहना चाहिए। इस चैप्टर में इतने लगेंगे, और आइडेंटिटीज एलजेब्रा की बहुत सारी हैं पर ज़्यादा इस चैप्टर में यूज नहीं होंगी, इसमें मेनली यही सब यूज होंगे। कोई और अगर आता है तो फिर मैं बताऊँगा उस समय। ओके, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे और।